बिहेवियर थोड़ा जो मैं बहुत शिकायत आ रही हैं, कई जगह से नवे बंदे आए हैं मिसबिहेव करते हैं, ये ठीक नहीं। जे मीडिया नहीं जाएगा अगे तो साड़ी कवरेज कितने जाएगी, लोगों को क्यों पता लगेगा। इसलिए मैं खास तौर पर अपील करना जिथे भी मेरी कोई गल सुनता है, मीडिया नूं सत्कार दिओ, मीडिया का सहयोग करो और जिहड़ियां एमरजेंसी सेवां हैं उन्हां नूं ना रोको। असीं शरीर पाले आ, असीं पंजाबी हाँ, असीं हरियाणवी हाँ, असीं सारे पासे मोहरी हाँ। वो कल उत्थे उन्होंने सिद्ध किया, जिहड़े लोग देख रहे सी, तुसीं देख रहे, तुसीं भी उत्थे सी, तुसीं देख रहे सीगे कि उन्हां दे विच किन्ना जोश सी। वो ऐदां सी जिवें उन्हां दा खून खौलदा होवे। ये नवें नवें कीड़े पैदा हो रहे हैं, हर साल नवा कीड़ा आ जाता है। एक जिहड़ियां असीं दवाइयां स्प्रे करते हाँ उन्हां दे विच वो इन्नियां घटिया ने, जिहड़े खेतीबाड़ी महकमे ने फड़नियां हुंदियां वो पैसे लैंदे ने, रिश्वत लैंदे ने, घटिया दवाइयां बिकदियां। किसान का खून कौड़ा नहीं लगता, हरेक नूं मिठा लगता। वो कहिंदा मैं भी चक भर लां, दूआ कहिंदा मैं मार लां। तो ये सारा सिस्टम ठीक करन वास्ते लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। उनका तो गोटे से गोटा चक्कर काम है ना, ईट से ईट बजा रखी है। और कब सब जगह यार सरकार तो गिरने वाली हो रही है, दो चार दिन में गिर जाएगी। करने के लिए तो वो ना हो रही तो ना हो रही, हम अपने दम पे करेंगे। हम कौन सा उनसे बात करने के लिए तैयार, जब उनका जिक्र जब कर लेंगे। देखते हो अज वड्डे सद्दे ते वाकया केएमपी जाम कीता, पंजाब भी तकरीबन सारा बंद कर दिता, क्या लगदा सरकार ते कोई असर होगा? लाजमी असर होएगा और सारा देश ही बंद है, सवाए जेडे नॉर्थ ईस्ट दीयां कुछ स्टेट्स ने जेडे पहाड़ी राज ने, उन्हां ते बिना अज सारा देश बंद है। और मैनू इस गल दी तसल्ली है कि सारे लोग सहयोग दे रहे ने। एक मैं बेनती करांगा जिथे भी किते नाके ते बैठे ने लोग, घट्टो घट मीडिया नाल मिसबिहेव ना करो। मैनू बार बार माफ़ी मंगनी पै रही है, मीडिया दीयां वैना ना रोको, मीडिया के लोगों ना रोको। जिहड़ियां असीं एमरजेंसी सेवावां अलाउ कीतियां ने, कोई मरीज़ है उन्हूं ना रोको, कैमिस्टां दीयां दुकानां ना खोलण तों हटाओ, इहदा ध्यान रखो। बाकी अपने बिहेवियर ते बहुत ध्यान दिओ, बिहेवियर तुहाडा जिहड़ा, मैनूं बहुत शिकायतां आ रही हैं कई जगह ते नवें बंदे आए हैं मिसबिहेव करते हैं, ये ठीक नहीं। जे मीडिया नहीं जाएगा अगे तो साड़ी कवरेज कित्थे जाएगी, लोगों को क्यों पता लगेगा। इसलिए मैं खास तौर पर अपील करना जिथे भी मेरी कोई गल सुनता है, मीडिया नूं सत्कार दिओ, मीडिया का सहयोग करो और जिहड़ियां एमरजेंसी सेवावां हैं उन्हां नूं ना रोको। गर्मी बहुत ज़्यादा पई हुई है, थल्ले भी धुप लग रही है, सेक मार रही है, सड़क भी उपर भी इन्नी ज़्यादा गर्मी है, किवें देखते हैं इस हालात दे विच? देखो साडा जिहड़ा कम है ना खेती का, वो है ही धुप च ठंड च, तो इस करके सानू तो कोई फर्क नहीं, असीं बैठे हाँ। जो हाँ सरकार की साड़ी लड़ाई की है, असीं सरकार की जमीर जगाउण दी गल कर रहे हैं ना, भी उह मेज़ ते बह के गल नूं निबेड़न। जो राज हट विच फसे है, ये कोई सरकारां दा कम ये नहीं हुंदा, सरकारां लोकां दे भले लई हुंदियां, लोकां नूं सज़ा देण लई नहीं हुंदियां, कारपोरेट्स लई नहीं हुंदियां सरकारां। ये सरकार बदकिस्मती नाल कारपोरेट्स लई बन गई, ये सरकार हर चीज़ कारपोरेट्स नूं बेची जा रही है, सारियां जिहड़ियां साडियां कंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनस ने उन्हां दा पट्ठा बिठाई जा रही है। लोक गुस्से च ने, सरकार नूं समझना चाहिए। राजीवाल साहब बहुत आप हिले वसीले करके देख ले, किसान संसद भी होगी, पहला भी भारत बंद के सदे दिए गए थे, अज भी हो, पर डेडलॉक तो अजे भी बने, गलबात कर ले क्यों नहीं सरकार? पर मैं राही लोगों को कहना चाहना, इस अंदोलन ने सारा कुछ वरत्या है उसके बावजूद सरकार नहीं ठीक हो रही, पर इन्हें सिखाया भी बहुत कुछ है जी। लोगों को अंदोलन लड़ना सिखाता, लोगों को डिसिप्लिन च रहना सिखाता, लोगों को सरकार की जिहड़ी खसलत है वह दसती। और सारे देश में जेडे कहते भी मोदी तो हूँ 25-30 साल तो मौज हो के जाना ही नहीं, अज उसकी दफा पुट्टी जा रही है, सारे कितने सारे देश में वह विरोध हो रहा है। तो कबड्डी के मैच भी बड़े वड्डे पद्धर से होए ने, वड्डे वड्डे इनामों के ऐलानिया भी गया, ये कबड्डी मैच किसानी संघर्षा दिखाउंदा बन गई ने,
अंदोलन दियां बन गईयां, असीं सारे लोकां नूं बिजी रखना और उन्हां दियां इच्छावां दे मुताबिक जिस तरह की साडी कल्चर है उहदे नाल जोड़ के रखना, यह भी साडा काम है। बहुत बहुत वधिया, तुसीं देखिया मैं तां आप जिहड़े साडे बच्चे खेड रहे सी, मैं तां बड़ा कुछ उन्हां दे बारे आ रहा सी वी इह तां साडे एक तरह के अंबैसडर बन गए, जिहड़े सानूं बदनाम करदे सी वी साडे जिहड़े नौजवान ने इह तां नशियां च पै गए, इन्हां ने उत्थे कल खेडां खेड के ये दसता भी असी नशे ही नहीं, असी शरीर पाले आ, असी पंजाबी हाँ, असी हरियाणवी हाँ, असी सारे पासे मोहरी हाँ। तो कल उत्थे उन्होंने सिद्ध किया, तो जिहड़े लोग देख रहे सी, तुसी देख रहे, तुसी भी उत्थे सी, तुसी देख रहे सीगे भी उन्हां दे विच किन्ना जोश सी, वो ऐदां सी जिवें उन्हां दा खून खौलदा होवे। तो ये वनगियां ने अलग अलग कदे असी नाटक भी करदे आ स्टेज दे उत्ते। सम्मान कीता गया फिर उन्होंने? हाँ, मैं मेरी ड्यूटी बनती सी, मेरे सारे साथियों ने ड्यूटी लाई, सारे मेरे वालों नहीं होया, वो सारे वालों होया, 32 किसान जथेबंदियों वालों होया, हरियाणा दी किसान जथेबंदियों वालों, ये ठीक है हथों मेरे फड़ाता पर सी वो सारे दा। पर तुसी देख सकते हो कि असी रोड जाम करके बह जाने, पूरे भारत बंद का सद्दा दे दिता, पर इत्थे तो आम लोग ही पिस रहे ने, आम लोग ही परेशान हो रहे ने, सरकार ते तो कोई असर नहीं? नहीं, सरकार ते असर हो रहा है, ये नहीं है लगता सानू भी सरकार ते असर नहीं हो रहा, ये डेमोक्रेटिक तरीके नाल लड़ाई लड़न का एक वड्डा हथियार है, ये लोगों को कष्ट हुंदा है, उहदे लई असी पहले ही माफ़ी मंग ली हुई है भी तुहानू एक दिन कष्ट देंगे, पहला तो ही कह रहे हैं एक दिन तुहानू कष्ट लोग समर्थन दे रहे हैं, कोई भुलिया भुलाया आ जाता नहीं, आम तौर पर तो लोग सारे देश में समर्थन दे रहे हैं। हाँ नहीं, मैं बेनती करा एक तो जो तुहानू कष्ट हो रहा सारे देश में लोगों को, उहदे लई मैं माफ़ी मंगदा, पर साडी मजबूरी है, इस सरकार नू समझण की कोशिश करो, ये सरकार जे सारे बाहर ना निकले तो देश का सारा कुछ बेच देगी, और जदों कारपोरेट के हाथ चला गया आम लोगों का रुजगार भी चला जाएगा, आम लोगों की इकोनमी भी तबाह हो जाएगी, आम लोगों का जीवन पद्धर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सारे बाहर निकलना पड़ेगा, इकट्ठे होकर लड़िए, कलिए तीन कानूनों की लड़ाई नहीं, एक तरह का भविख लिए एक अलार्म सिग्नल है लोगों लई, इदा लड़िया जा सकता है, इन्होंने गांह गांह कुछ करना, चुप करके अंदर बड़ी जाना, जो जाति करते हैं अंदर बड़ी जाना, ये कोई हल नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा। एक पासे तो किसान विरोधी बिलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही, पर अंदर ही अंदर कितने ना कि पंजाब दे विच भी फसलों को तबाह किया जा रहा, तुसीं देख सकते हो पिछे गुलाबी मंडी जी सूडी पै चुकी है, खाद खराब दी गई है, हालांकि खुद CM जाके जायजा ले रहे हैं, उस बारे तुहाडा की कहना? देखो CM जायजा ले जान कुछ ले जान, ये बीमारी जे जड़ों ना फड़ी इहदा कोई हल नहीं, एक तो साड़ियां सरकारां ने यूनिवर्सिटीज़ नूं रिसर्च करन वास्ते फंड देने बंद कर दिते, ये नवें नवें कीड़े पैदा हो रहे हैं, हर साल नवा कीड़ा आ जाता है, एक जिहड़ियां असीं दवाइयां स्प्रे करते हैं उन्हां दे विच वो इन्नियां घटिया ने, जिहड़े खेतीबाड़ी महकमे ने फड़नियां हुंदियां वो पैसे लैंदे ने, रिश्वत लैंदे ने, घटिया दवाइयां बिकदियां, उहदे नाल जिहड़े कीड़े ने इन्हां दी इम्यूनिटी वधी जाती है, इम्यूनिटी वधदी ते अगली किस बारी नवी किस्म का कीड़ा पैदा हो जाता है, ये जदों तक एक रिसर्च नहीं होएगी ठीक, फिर उहदा जिहड़ा फील्ड विच काम करना है एक्सटेंशन वर्क जिहड़ा खेतीबाड़ी महकमे ने करना है वो ईमानदारी नाल नहीं होएगा, तो अज लाल सूंडी की बीमारी है, कल नूं कुछ होर, फिर सानू तो साडा हाल तो यह है भी छुरी खरबूजे ते डिगी या खरबूजा छुरी ते डिगया, गली तो खरबूजे च होनी है, सीधे तौर पे ना कितने कितने किसानों पे हमला किया जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ही असर, हुण सरकारी मशीनरी का यह हाल है, हुण नुकसान हो गया, इन्होंने कहता स्पैशल गुरदौरी करो, गुरदौरी दी नॉर्म्स उही ने जिहड़ी 30 साल पहला सी, उन्होंने किसी ने समय के मुताबिक संविधान ही बनाया ही नहीं, हुण जदों गुरदौरी करनगे तो पटवारी पैसे बनाउणगे, किसी नूं किसान का खून कौड़ा नहीं लगता, हरेक नूं मिठा लगता, वह कहिंदा मैं भी चक भर लां, दूआ कहिंदा मैं मार लां, तो यह सारा सिस्टम ठीक करने वास्ते लोगों नूं बाहर निकलना पड़ेगा। सारे ये गल कह रहे हैं कि 2024 तक अंदोलन जाएगा, लगता है तुहानूं इन्ना लंबा जा सकता है? मैं कुछ नहीं कह सकते इहदे बारे, मोदी जी दस सकते हैं, असी तो जिदन बुला लेंगे उदने गलबात करन लई तैयार हाँ, गलबात कादी करनी है, सारे कानून असी ठीक सिद्ध कर चुके हैं, भी यह गलत बनाए ने और ये मनते ने, हुण झूठ बोलण दी जिहनूं आदत होवे उह आदत जांदी नहीं, उह बाहर आके कुछ होर कहिंदा, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਦੀ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
दर्शकों तुसी देख सकते हो अज वड्डे पद्धर ते जिथे पंजाब नू जाम किया गया पूरे देश नू बंद करन दा सद्दा दिता गया उत्थे ही बलबीर सिंह राजेवाल भी खुद धुप च बैठ के इस सद्दे नू पूरी प्रवानगी दे रहे ने कि किस तरह असीं सरकार ते दबाव बनाउण दी कोशिश करदे तां जी गलबात करन दे लई तैयार होवे। पूरियां तुसी देख सकते हो तकरीबन बहुत सारे किसान मातावां भी धुप नू नहीं देख रहे गे उस तरह बैठे सानू कहिंदे ठंड लगदी आ हजे भी उवें बैठे होए ने तुसी देख सकते हो। सो रमेश अंतिल भी इतने बैठे हुए ने उन्होंने भी गलबात कर लेंगे कि उन्होंने की कहना है। आप भी यहाँ पे आके बैठे हैं, वैसे भी लोकल लोगों की बात कर दे तो क्या लोकल लोगों ने पूरा साथ दिया? आप भी लोकल हैं? बिल्कुल, ये लोकल ही बैठे सारे, ये सारी हमारी रायपुर से और मकीनपुर से और चौहान जोशी से, जाट जोशी से और बसोदी से, सभी गाँव वही है। परेशान तो नहीं किया? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, समर्थन दे रही है पूरा, बिल्कुल पूरा पूरा दे रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा था लोकल लोगों लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि किसानों ने बंद करने का सद्दा दिया। नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। मैं 6 बजे से यहाँ पे हूँ और मेरी, हाँ, और मेरी सीमा बहन है जो गीत प्रवेश करेगी अभी मोदी के खिलाफ बड़ा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या लगता है यहाँ पे आप धूप पे धूप में बैठे हुए हो, लोकल लोगों को रोका हुआ है, यहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, सरकार पे कोई असर? सरकार ने प्रेशर तो पड़ा हुआ है, माननीय हुई वो तो ऊका तो गोटे से गोटा चक्कर का मैंने ईट से ईट बजा रखी है और कब सब्जेगी सर यार, सरकार तो गिरने वाली हो रही है, 2-4 दिन में गिर जाएगी। बात करने के लिए तो अभी तैयार नहीं हो रही है? तो वो ना हो रही तो ना हो रही, हम अपने दम पे करेंगे, हम कौन सा उनसे बात करने के लिए तैयार, जब उनका जी करे जब कर लेंगे।